नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजली विभाग में कार्यरत ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने पूरे प्रदेश के डिवीजन स्तर कार्यालयों पर सातवें वेतन मान और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसका असर फरीदाबाद के सेक्टर 15 डिवीजन कार्यालय पर भी देखने को मिला, जहाँ सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने प्रदेश के नेता सुभाष लांबा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार तुगलकी फरमान जारी करना बंद करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाली 15 मई को चंडीगढ़ में हजारों कर्मचारी विद्युत विभाग के मुख्यालय का घेराव करेंगे। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत सभी डिविजन स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सामूहिक धरने दिए गए हैं और सरकार निगम प्रबंधकों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और इसकी मांग कोई पुरानी नहीं है या नई उस तरीके से नहीं है। एक तो सातवें वेतन आयोग का लाभ सभी सरकारी विभागों को मिल गया है नवंबर 2016 को, लेकिन बिजली कर्मचारी जो असेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनको आज तक वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। दूसरा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि जो बिजली बोर्ड तोड़ करके निगम बनाया उस टाइम के जो नियम है उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको पूरा अधिकार है बिजली कर्मचारियों के फैसले लेने के संबंध में, लेकिन अब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस अधिकार को छीन रही है और उस अधिकार को जो ब्यूरो है हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो उसके अधीन कर रही है। तो उसमें अमेंडमेंट की जा रही है कि चाहे पोस्ट अपग्रेडेशन का सवाल हो, चाहे वेतन बढ़ाने का सवाल हो, चाहे कोई और प्रकार के दिखते हैं, जब तक ब्यूरो सेंक्शन नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पूरी बॉडी हमारी अधिकृत थी फैसले लेने में, अब वो फैसले नहीं लेगी। एक ये अतिक्रमण है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। तीसरा, जो कच्चे कर्मचारी हैं, मतलब 10-10, 15-15 साल से हमारे कच्चे कर्मचारी, हम उनको ये कह रहे हैं कि 2 साल की सेवा जिसकी पूरी हुई हो उनकी सेवाओं को पक्का करो। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 26 अक्टूबर 2016 का समान काम समान वेतन, उस फैसले को लागू किया जाए और ठेके पर जो कर्मचारी लग रहे हैं डीसी रेट पर उनको नियमित कर्मचारी के बराबर वेतनमान दिया जाए। बिजली कर्मचारियों की ये कोई नई डिमांड तो है नहीं, पुरानी डिमांड हैं। हमने जो सातवें दल सरकार ने लागू किया, केंद्र सरकार ने भी वेतन आयोग दे दिया, सातवें दल आयोग हरियाणा सरकार ने भी दे दिया, लेकिन जो बोर्ड है, निगम है, कॉरपोरेशन है, उनमें अभी तक सातवें दल लागू नहीं किया। हमारी एक डिमांड तो यह। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था, जो कच्चे कर्मचारी हैं जब उनका रेगुलर बराबर काम करते हैं समान काम समान दाम लागू होना चाहिए, वो भी सरकार उसमें गौर नहीं कर रही है। जबकि SLL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ है, उसमें सरकार जोर लगा रही है, इन पर क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? कच्चे कर्मचारियों को भी समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो बिजली कर्मचारियों की कैशलेस की, जब बिजली बोर्ड में ज़्यादातर कर्मचारी एक्सीडेंट होते हैं और उनका भुगतान अपनी जेब से करना पड़ता, बाद में बिल पास होते हैं, हमारी डिमांड थी कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिजली बोर्ड कर्मचारियों को दी जानी चाहिए। जोखिम भत्ता है, जो कर्मचारी बिजली बोर्ड कर्मचारी 24 घंटे खतरों से खेलते हैं, उनका जो कि बनता 5,000 रुपये हमारी डिमांड है, वो भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी नौकरी करता है, चाहे DTC या रेलवे है, रोडवेज है, उनमें उन कर्मचारियों को फ्री यात्रा सुविधा दी जाती है, जबकि बिजली बोर्ड में मात्र 160 यूनिट दिए जा रहे हैं। हमारी डिमांड है 600 यूनिट बढ़ाकर किया जाए और कच्चे एक्सटेंशन स्कीम लागू की जाए, या तो कर्मचारी में ऑप्शन होनी चाहिए जो कर्मचारी मर जाता है कि या तो नौकरी दें या लास्ट पे ड्रांस दी जाए, कोई चीज़ दी जानी चाहिए। तो इन डिमांडों को लेकर के पूरे प्रदेश में आज डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन किए गए और पावर सेक्टर के नाम एक्शन को ज्ञापन दिया गया है। तो यही मुख्य डिमांड है। अल्टीमेट क्या दिया गया है सरकार को, कितने दिनों का अल्टीमेट है? सरकार को अल्टीमेट दिया गया है कि 15 मई तक या तो सरकार इन मांगों पर विचार करके, अन्यथा 16 मई को पंचकुला CMD के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन की घोषणा उस दिन कर दी जाएगी।